बात जब ऑस्ट्रेलिया की आती है तो सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया से ही स्टूडेंट्स का रुझान जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा जाता है। और अब बात करें फैब इनटेक की, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात तो करेंगी, साथ साथ बाकी स्टेट से भी बहुत सारी क्वेरीज हमें जो आ रही हैं लगातार, उन सबको भी एक सही दिशा दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि सही डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ें और फैब इनटेक में अपनी सीट ले सकें और टाइमली पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हैं नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो सबको पहले बता दूं कि मैम का तकरीबन 26-27 साल का एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के चलते मैम अक्सर स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी बातें जो हैं गाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट चाहे किसी भी प्रोफाइल का हो उसे पता हो मैंने कैसे सही ढंग से आगे बढ़ना है और अपना वीज़ा हासिल करना है। तो मैम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगी पंजाब हरियाणा स्टूडेंट के अलावा और कौन कौन सी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा रुझान जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए देखा जाता है। हरजोत, पूरे इंडिया से ही बच्चे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, साउथ में आंध्र से तो ये बच्चे ज़्यादा जाते हैं, या साउथ में कुछ और मार्केट भी हम कहेंगे तमिलनाडु या उधर से भी बच्चे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गुजरात और पंजाब और हरियाणा, ये बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं। जी जी जी। तो आगे मैम मैं फैब इनटेक की बात करना चाह रही हूँ, पहले तो ये भी बताइएगा जैसे पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ी सख्ती जो है पिछले समय में देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसके बाद और हरियाणा के स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स की क्वेरीज तो है ही, तो उन सब स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही नए साल की शुरुआत होगी तो क्या इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी ऑप्शंस जो है ओपन होने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया में? बिल्कुल। अब आप देखोगे जैसे इस समय देखा जा रहा है कि वीज़े कम आ रहे हैं मार्केट में या ना के बराबर हैं, जीटी में तंग कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे ही नया कोटा आएगा जो फैब इनटेक के लिए नए साल का, तो आप देखना इतने सारे वीज़े आएंगे और जो प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है धक्के में वो भी निकल जाएंगे, काफ़ी सारे बच्चे होंगे उनके भी वीज़ा आएंगे और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटियाँ अपनी जीटी बहुत ईजी कर देंगी, जब वीज़ा निकलने लगता वो जीटी ईजी कर देंगे, फिर जब उसके बाद जब इनका कोटा ख़त्म होने लगेगा फिर वो जीटी स्ट्रिक्ट कर देंगे क्योंकि वो वीज़ा रिजेक्शन आने लगेंगे। तो बेटर है कि बच्चे अगर टाइम के साथ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट अगर अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्शन से बच सकते हैं, लेकिन खाली एक यही क्राइटेरिया नहीं होता रिजेक्शन से बचने का, उनका प्रोफाइल भी ठीक होना चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी ठीक होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे अगर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे तो वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर कंट्री में जो है एक तो हमारा जो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जितने बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल फीस के रूप में देखा जाए तो बहुत पैसा उन कंट्रीज़ को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को पैसा मिल रहा है जो उनकी इकोनॉमी में फ्लोट कर रहा है वो पैसा है, फिर जो हमारे बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ पे 20 आवर्स वर्क परमिट जो वीकली मिल रहा है उसमें काम कर रहे हैं तो वो भी एक उनकी जो लेबर शॉर्टेज है उसका भी वो एक मतलब जरिया बनता है पूरा करने का, तो वो देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि ये वीज़ा मिसयूज़ हो। मिसयूज़ का मतलब क्या है कि बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है और मतलब उस टाइप की जो चीज़ें आने लगती है वो उस कंट्री को एक बैड नेम देती हैं उस चीज़ से वो बचाने के लिए, या अनवांटेड लोग ऐसे चले जाएं जो कि पढ़ाई के वो एक कहते हैं कि पढ़ाई का बहाना लेके वो वीज़ा का मिसयूज़ हो रहा है, उन चीज़ों से बचाने के लिए इतना कंट्रोल किया जाता है। जी, तो मैम जैसे हम देखें ऑस्ट्रेलिया की जब भी बात होती है उसका प्रोसीजर बाकी कंट्री से थोड़ा डिफरेंट ज़रूर माना जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें वो भी बाकी कंट्रीज से डिफरेंट रहता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है हम इसका प्रोसीजर मानते हैं, तो फिर
राइट टाइम आप स्टूडेंट्स को, हम ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि फैब इन टेक के लिए अभी अप्लाई करें तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है पूरे प्रोसीजर में, चाहे हम जीटी की बात कर लें, चाहे कि वीज़ा आने तक की बात करें, पूरा कंप्लीट प्रोसेस के लिए कितना टाइम चाहिए? देखो हरजोत, एक फाइल है जिसको कि हो सकता है जीटी ऑफर लेटर में पूरा 1 मंथ में सब कंप्लीट हो जाए जी, हो सकता है दूसरे को 2 महीने लगे। मान लीजिए किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं अप्लाई की है, लोन नहीं अप्लाई किया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की उनको रिक्वायरमेंट है, तो उनका जब बैंक का सिस्टम उनको लोन देगा, उनका जब CA उनको उनके इनकम टैक्स रिटर्न भर के देगा, तो ये सारी शॉर्टेज पेपर्स की होने से टाइम लगता है। Okay. और अगर ये पेपर्स पूरे हैं और एकेडमिक रिक्वायरमेंट स्टूडेंट पूरी कर रहा है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उतना टाइम नहीं लगता। ये मान के चल सकते हैं कि 3 to 4 weeks तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी के मान सकते हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनके कैंपस खुले हुए हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हैं, 10 to 15 days का प्रोसेस उनका रहता है। लेकिन अगर हम टाइम बाउंड होके चलें तो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स अपने बनाने में कितना टाइम लगता है ये उस पर डिपेंड करता है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता। चलिए ठीक है, और इस वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को गाइड ज़रूर कीजिए कि जो अभी अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, फैब इनटेक पर फोकस करें, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए टाइमली अप्लाई करें ताकि उनके वीज़ा चांसेस ज़्यादा बने और वो अपनी मंजिल पर पहुँच सकें, जो उनके सपने हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के वो उनको साकार कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है, सपने ही तो इंसान को एक दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। उनकी एकेडमिक परसेंटेज पूरी हो, जो हम बार बार बता रहे हैं, आइल्स का स्कोर अच्छा हो उनका, और जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इनकम टैक्स पेपर्स उनके प्रॉपर हों जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 24/7 हम लोग उनको अपनी तरफ से हेल्प दे रहे हैं। मान लीजिए अगर कहीं बाहर रह रहे हैं रिलेटिव्स उनके, जो टाइम हमारे साथ मैच नहीं करता, तो चलो वो वी वेलकम दैम टू कॉल इन द लेट एज वेल। अदरवाइज तो जो स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करें कि शाम को 8 बजे तक आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर लें, एंड हम लोग उनको जो है अपना उसी हिसाब से पूरा गाइड करते हैं। एंड मेरे ख्याल जितना मैं बताती हूँ, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी हो मेरी जितने भी हैं, हमारे आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप नेविगेटर्स की वेबसाइट देख सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ अगर आपने उसको ध्यान से देखी हो तो आपको वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो सभी स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि अगर आप कहीं ज़्यादा दूर रहते हैं, नेविगेटर ओवरसीज़ के ऑफिस आने में आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप ज़रूर जो व्हाट्सएप नंबर है, जो नंबर डिस्प्ले किया है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और मैम जो है पर्सनली हर चीज़ को, हर डॉक्यूमेंट को देखते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट कहीं भी मिसगाइड ना हो, और हो सके तो ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इनके ऑफिस विजिट कीजिए, असेसमेंट करवाइए, मैम की गाइडेंस के साथ सही डिसीजन लेकर आगे बढ़े, और जो नंबर डिस्प्ले इस पर कॉल करके तो आप जानकारी जरूर ले ही सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक्स मैम कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने स्टूडेंट्स को बहुत खास पॉइंट्स जो है बताए हैं ताकि स्टूडेंट्स उन पर ध्यान रखें और अपना टाइमली प्रोसेस शुरू करके अपना वीजा हासिल करें। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहेंगे, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।